आपका स्वागत है इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम भगवद गीता के प्राचीन अध्याय श्लोक 20 से 23 की चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके जीवन को नई दिशा देने और आपके मन को शांति प्रदान करने का संकल्प लेकर आया है। अर्जुन, जिनके ध्वज में वानर का चित्र है, उन्होंने अपने धनुष उठाया और श्री कृष्ण से कहा, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, ताकि मैं जान सकूँ कि मुझे किससे युद्ध करना है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ते हैं, हमारा पहला कदम होता है विवेक, जिसको हम डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। अर्जुन का धनुष यहाँ विवेक है, जो हमें अच्छाई और बुराई में अंतर करने की शक्ति देता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब हम ध्यान में बैठते हैं, हम अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये हमारे आध्यात्मिक धनुष को सक्रिय करता है, जो हमें इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त करता है। अर्जुन के ध्वज में वानर का चित्र क्यों है? ये वानर हमारे मन की चंचल विचारों को दर्शाता है। जब हम खेचरी मुद्रा और गुरु दीक्षित योगा अभ्यास से अपने मन को शांत करते हैं, हम अपने वानर ध्वज को ऊंचा करते हैं। अर्जुन ने कृष्ण से मदद मांगी, जो यहाँ अंतरात्मा या इनर सेल्फ को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम अपने आध्यात्मिक यात्रा में अटक जाते हैं, हमें अपनी अंतरात्मा से जुड़ना चाहिए, जो हमें सही दिशा में ले जाती है। अर्जुन के लिए कुरुक्षेत्र केवल एक भौतिक रणभूमि नहीं है, ये एक मन का युद्ध स्थल भी है। यहाँ हमें अपने नेगेटिव और पॉजिटिव विचार, इच्छाओं और भावनाओं को अच्छे से देखना होता है। जब हम अपने आध्यात्मिक धनुष को पूरे तन मन से इस्तेमाल करते हैं, हम समाधि या अल्टीमेट ब्लिस की स्थिति तक पहुँचते हैं। ये वो स्थिति है जहाँ हमारा मन, आत्मा और भगवान एक हो जाते हैं। तो मित्रों, भगवद गीता के इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आध्यात्मिक यात्रा एक युद्ध है, और इस युद्ध को जीतने के लिए हमें अपने विवेक धनुष को मजबूती से पकड़ना होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको टैरो रीडिंग्स या आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर संपर्क करें। नमस्ते।